सेवन सीटर कार्स इंडियन कार बायर्स के लिए ये एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें ऑप्शंस कम है और कंफ्यूजन ज्यादा है। आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आई होप सो कि आपकी सारी कंफ्यूजन रिलेटेड टू सेवन सीटर कार्स इन इंडिया दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इको से लेके हेक्सा तक यानी कि 3 से लेके 20 लाख तक के सारे बेस्ट ऑप्शन आज इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इन टू इट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपकी यही कंफ्यूजन है कि आपके लिए एक्चुअल में कौन सा सेगमेंट सही है और सेगमेंट के लिए कौन सी कार सही रहेगी, और यही सारे कंफ्यूजन्स को आपको बेसिकली डाउट्स क्लियर करने हैं, तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वो बेल आइकन को प्रेस करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं प्राइस वाइज लो टू हाई के ऑर्डर में। सबसे पहली जो कार आती है वो है मारुति सुजुकी की इको। 3.62 लाख से लेके 4.72 लाख की अप्रोक्सीमेट ऑन रोड दिल्ली की प्राइसिंग के साथ इस लिस्ट की फर्स्ट ऑप्शन बन चुकी है इको 7 सीटर। हालांकि यहाँ पे 7 सीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इको जो है वो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजिन के साथ आती है, जो एक रिफाइंड और पावरफुल इंजिन कहा जा सकता है इस प्राइस सेगमेंट में। और एडिशनली यहाँ पे बेस्ट इंटीरियर स्पेस और डायमेंशंस वाइज आपको सारे वो फैक्टर्स में सेवन सीटर में होने चाहिए, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे इस प्राइस टैग में कंप्लीट कर देती है इको। और इसके अलावा यहाँ पे एम्बुलेंस, कार्गो, फाइव सीटर विथ और विदाउट एसी और सीएनजी जैसे 10 डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी इको के साथ, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के मुताबिक कोई भी वेरियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस लिस्ट की कार नंबर 2 है डेटसन की तरफ से गो प्लस, और यहाँ भी इको की तरह आपको कोई भी फैंसी फीचर्स ऑफर नहीं किए जा रहे हैं डेटसन की तरफ से, लेकिन पर्पस सॉल्व करने में मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजिन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से इक्विप्ड है ये कार, जिसमें से आपको 64 bhp का पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और अगेन आप यहाँ पे फन टू ड्राइव और सेफ्टी जैसे फैक्टर्स में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, लेकिन 4 to 5 lakhs के बजट में सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर स्पेस आपकी एक प्रायोरिटी है तो इस कार को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे द मोस्ट एलिजिबल और इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा चलने वाली कार पे, जो है मारुति सुजुकी अर्टिगा। और हाँ, अब आप फीचर्स, सेफ्टी, राइड एंड हैंडलिंग और ब्रेकिंग जैसे सारे फैक्टर्स को अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कार से। लेकिन अर्टिगा में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एग्जिस्टिंग मॉडल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2018-19 का कम्प्लीटली रिवैम्प्ड और कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड मॉडल बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आने वाला है नई अर्टिगा में, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैंने बनाए हुए वीडियो की लिंक्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल वहां जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अब अगर आपका यूजेज अर्बन एरिया में ज्यादा है और रफ रोड्स आपके डेली रूटीन का एक सबसे बड़ा पार्ट है, और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो रफ, रिजिड, सॉलिड और टफनेस से भरपूर हो, और स्पेस के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में भी अच्छी रहे, तो फिर तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं, और वो है महिंद्रा की बोलेरो। यस, इवन आफ्टर अराउंड 15 इयर्स ये एक कार ऐसी है जो आज भी लोग अपने यूजेज और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक बेस्ट ऑप्शन के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस सेगमेंट या तो इस प्राइस टैग के साथ आने वाली कार में मिलनी चाहिए वैसी नहीं है, एंड एस्पेशली द सेफ्टी फीचर्स। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बहुत बड़ी कमी है, और यही चीज मुझे लेके आती है महिंद्रा की इस लिस्ट की नेक्स्ट कार के ऊपर, और वो है महिंद्रा TUV 300 प्लस। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो में जानना है कि महिंद्रा की TUV 300 प्लस क्या है, कैसी कार है,
तो मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा TUV 300 प्लस के ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो इसी चैनल के ऊपर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे महिंद्रा का बिल्कुल ही नया एमहॉक 120 यानी कि 2.2 लीटर 120 HP के पावर के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से मेट किया हुआ इंजन यहाँ पे आपको मिलने वाला है महिंद्रा TUV 300 प्लस में। और अराउंड 9.5 लाख की एक शोरूम प्राइसिंग के साथ आने वाली ये कार आपको वो सारे फीचर्स जो है वो ऑफर करती है जो इस सेगमेंट में एक्चुअल में होने चाहिए। सो उस वीडियो को देखने के लिए अभी वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और इसलिए और महिंद्रा TUV 300 प्लस के ऊपर एक छोटा सा लाइक बटन जरूर दे दे। और इसके बाद का ऑप्शन है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक बेस्ट अल्टरनेटिव कहा जा सकता है। यस, अगर आपने गेस किया है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की BRV के बारे में, क्योंकि यहाँ पे BRV के साथ आपको एक ज्यादा रिफाइंड इंजन, एक बेटर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट सेफ्टी फीचर्स एंड ऑफ कोर्स बेस्ट बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जैसे सारे मामलों में करंटली ऑफर की जाने वाली अर्टिगा से BRV एक ज्यादा अच्छी बेटर वैल्यू ऑफर करती है। और इस लिस्ट की कार नंबर 7 एक ऐसी कार है जिसके लिए अगर आपको जानना है तो आपको खुद ही अपने फैमिली के साथ इस कार की टेस्ट ड्राइव के ऊपर जाना होगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अगर 7 सीटर की रिक्वायरमेंट्स में कुछ कार्स को शॉर्ट लिस्ट किया है तो ये कार हो सकता है कि आपने अपने लिस्ट में शामिल ही ना की हो कंपेयर करने के लिए। यस, ये कार और कोई नहीं बल्कि रेनो की लॉजी है। और अगर आपको लॉजी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाला वीडियो जानना है, देखना है, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में लिंक्स अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि इस लिस्ट की सबसे स्पेशियस कोई कार हो और एडिशनली एक वैल्यू फॉर मनी से बेटर पैकेज ऑफर करती हो तो वो है रेनो की लॉजी। अब आते हैं इस लिस्ट की मोस्ट फीचर लोडेड कार के ऊपर, जो ना सिर्फ आपको एक्सटीरियर में बल्कि इंटीरियर में भी आपको वो सारे लग्जरियस फीचर्स दे देगी जो इस सेगमेंट की कार में होने चाहिए। और ये कार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लश न्यू XUV 500। और अगेन आई बटन में लिंक अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स अवेलेबल है। लेकिन इतने फीचर लोडेड और स्पेसिफिकेशंस के वाइज इतनी पावरफुल कार होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो 4x4 कैपेबिलिटीज आपको XUV 500 में देखने को नहीं मिलेगी जो एक 7 सीटर SUV में होनी चाहिए, जिसमें आप एक एक्सट्रीम हार्डकोर ऑफरोडिंग कर पाए और इस बजट की दूसरी SUV आपको ऑफर कर रही हो। और यही एक रीजन है कि मेरी मोस्ट प्रिफर्ड और इस लिस्ट की मोस्ट रेकमेंडेड कार आपको वो सारे सेटिस्फेक्ट्री रिटर्न देगी जो आपको इस बजट की कार्स में मिलना चाहिए, और वो है टाटा की तरफ से ऑफर की जाने वाली हेक्सा। टाटा की कार दिन ब दिन नए नए बेहतरीन चेंजेस और इनोवेटिव डिजाइन एंड रिवोल्यूशनरी फीचर्स के साथ हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इस कार का भी कंप्लीट रिव्यू इसी चैनल पे मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए या तो मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम नहीं होगी, और इसीलिए मैंने अपने सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज वाले वीडियो को आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपको इजी लगे कि मेरे उस वीडियो में आप डायरेक्टली जाके देख सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए और ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस एज वेल एज हर संडे को रात को 9 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम के लिए आप सबसे पहले नोटिफाइड हो सके और आपके क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले आंसर्स दे सकूं। और इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ एंड लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।